नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। आज का जो अभ्यास है पेट के बल हम लोग करेंगे, धनुराशन करेंगे। तो धनुराशन करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और चलिए आरंभ करते हैं धनुराशन। तो पेट के बल आ जाते हैं आराम से, और पेट के बल आएंगे उसके तदुपरांत वन में दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं और दोनों हाथों से पैरों को लॉक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रीथ इन करते हुए प्रत्युंचा करनी है, धनुष को खींचते हैं तो पूरा थाइस से लेकर के अपर बॉडी तक बिल्कुल लंबा गहरा सांस भरते हुए ताकत लगाते हैं। अब वो चिट कंधों से, हाथों से अपनी ओर खींचते हैं और पैरों से पीछे की ओर धक्का देते हैं सीधा करते हुए बिल्कुल। चलिए ब्रीथ इन अप एंड डाउन, एक बार पुनः करेंगे इसी क्रम को, बिल्कुल लंबा गहरा सांस भरते हुए एंड डाउन। आराम से इसमें फिर शशांकासन में आते हैं। तदुपरांत अपने स्थान बैठेंगे, और ये था धनुराशन। धनुराशन के लाभ बता देता हूँ। धनुर मीन्स प्रत्युंचय, पूरा हमारे सारे चक्राज प्रभावित होते हैं जब बॉडी का आकार इस तरह से आ जाता है बिल्कुल उठते हुए गोल उसमें। तो जितने भी हमारे 7 चक्र हैं बॉडी के अंदर, वो सब चक्रों में बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है हमारी सुषुम्ना नाड़ी में। वो ऊर्जा तुरंत बिल्कुल ऊर्ध्वगामी होने लगती है, और साथ ही साथ हमारे कंधे, श्वसन तंत्र, भुजाएं, पाचन तंत्र, इन सब के आंतरिक अंगों में प्रभाव पड़ता है, चाहे वो लीवर हो, पिनक्रिया जो श्वसन तंत्र हो, हृदय के अंदर होने वाली स्पंदित होने वाली गति हो, और सांस से संबंधित समस्या क्यों ना हो, और जैसा कि डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम है वह भी इससे ठीक होती है। और पैरों में भी इसमें बहुत अच्छा खिंचाव आता है, थाइस तक की अवस्था में बिल्कुल, पेट तक बिल्कुल, जब थाई उठती हैं तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे पाचन लोअर एप्स पे भी दिखाई देता है जहाँ पर स्वादिष्टान चक्र विद्यमान होता है। तो साथियों, शरीर में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, और अभ्यास का नाम जैसे धनुष है और धनुराशन हमने किया, तो इसी अभ्यास के तदुपरांत जब आप इसमें वापस आएंगे तो शशांक आसन में रिलैक्स करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।